तो इससे पहले वाले हमने वीडियो में देख रखा था कि SFG होता क्या है बेसिकली। ठीक है, SFG आपका क्या होता है, जैसे आप ब्लॉक डायग्राम से क्या करते हो, अपने सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, आप उसे ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, SFG के थ्रू भी क्या कर सकते हो, आप किसी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हो या फिर उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, डेफिनेशन है, उसे हम देखना होगा SFC के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने से पहले। ठीक है, मान लो कि आपका कोई इनपुट नोड, मान लो कि इसमें क्या है, फर्स्ट जो आपका है वो क्या है, इनपुट नोड वर्सेस क्या है आपका, इनिशियल नोड। ठीक है, इसमें क्या, बहुत सारे नोड्स, मतलब नोड्स होते हैं, नोड्स के थ्रू ही तो बनाते हैं हम। ठीक है, तो इसमें क्या है, इनिशियल आपके आउटपुट नोड क्या होता है, इनपुट नोड क्या होता है और इनिशियल नोड क्या होता है। ठीक है, तो देखो आपका जो इनपुट नोड होता है, ये जो इनपुट नोड होता है ये क्या होता है, इट इज अ नोड हैविंग द ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस होंगे, इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होंगे। ठीक है, समझ गए, इनपुट नोड क्या होंगे, इट इज अ नोड हैविंग ओनली द आउटगोइंग ब्रांचेस। ठीक है, आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनपुट नोड आपका क्या होगा, इट इज अ नोड हैविंग ओनली आउटगोइंग ब्रांचेस। इससे क्या होंगे, मान लो आपका कोई नोड है, यहां से क्या होंगे, आउटगोइंग सिर्फ ब्रांचेस ही होंगे। ठीक है, कोई इनकमिंग ब्रांचेस नहीं होगा, समझ गए। इनिशियल नोड क्या होता है, इट मे हैव बोथ इनकमिंग और आउटगोइंग ब्रांचेस। इनिशियल नोड में आपका क्या हो सकता है, मान लो कोई इनकमिंग ब्रांचेस भी है। ठीक है, ये आपके यहां पे क्या हो रहा है, इस नोड पे क्या हो रहा है, ये इनकमिंग ब्रांचेस भी है और ये क्या है, आपके आउटगोइंग ब्रांचेस भी है। ठीक है, तो आपको पहचानना होगा कि इनकमिंग ब्रांचेस कौन कौन से और आउटगोइंग, मतलब आपका जो नोड है वो आपका क्या है, इनिशियल नोड है या फिर इनपुट नोड है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे अगर आप SFG सॉल्व करना चाहते हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका इनिशियल नोड दे रखा है या फिर इनपुट नोड दे रखा है, क्योंकि जो रेशियो फाइंड आउट होता है आपके इनपुट नोड, आउटपुट नोड और इनपुट नोड के बीच में ही फाइंड आउट हो सकता है, इनिशियल नोड के बीच में फाइंड आउट नहीं हो सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वो इनपुट नोड है या फिर इनिशियल नोड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा दे रखा है, ये दे रखा है, यहाँ पे दो नोड्स दे रखे हैं, ये आपका R है, ये C है। ठीक है, ये जी अगर मैं पूछूंगी, जो स्टार्टिंग नोड होगा इसे वो क्या कहेंगे, इनिशियल या इनपुट नोड कहेंगे। अगर मैं पूछूंगी R जो आपका है ये इनिशियल नोड है या फिर इनपुट नोड है, बताओ। मैंने इनपुट नोड का क्या बताया था आपको, फॉर्म मतलब डेफिनेशन, इनपुट नोड में क्या होता है, ओनली इनकमिंग ब्रांचेस मतलब आउटगोइंग ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इनपुट नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा। ठीक है, इनपुट नोड हो जाएगा, आ गई बात समझ में, राइट। उसके बाद देखो, अगर मैंने ऐसा बोला, सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, अगर ऐसा दे रखा है, ये है आपका एच, ये आर है, ये आपका जी है, ये आपका सी है। अगर मैं इसमें पूछूं कि आर जो आपका है वो इनपुट नोड है या नहीं है, बताओ, आर जो आपका है वो इनपुट नोड है या नहीं है। तो देखो, एक तो ये आउटगोइंग ब्रांचेस है, लेकिन क्या हो रहा है, एक ब्रांच यहां पे ऊपर से आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका इनिशियल नोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इनपुट नोड नहीं होगा, समझ गए। ठीक है, ये इनपुट नोड नहीं होगा, ये आपका इनिशियल, ये भी आपका इनिशियल नोड होगा। ठीक है, लेकिन इनिशियल नोड तो सारे होते हैं, लेकिन इनपुट नोड कौन से होंगे आपके, वही नोड होंगे जहां पे आपका सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस हो, समझ गए बात यहां तक। ठीक है, ये सब चीजें आपको बाद में मतलब पता चलेगी कि इसका यूज क्या है इसका। अब देखो, अब बताना मुझे, अगर कोई ऐसे दे रखा है आर और ये आपका क्या है सी है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल नोड हो जाएगा, ये आपका नॉन इनपुट नोड। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है, आपका इनकमिंग ब्रांचेस भी है, राइट। तो आप इसमें, इस केस में क्या कर सकते हो कि अगर आपका इनपुट नोड नहीं दे रखा है तो आप क्या करोगे, ये जो आर है इसे आगे की ओर ड्रैग कर लोगे, तो यहां पे ड्रैग कर लेना, ये क्या हो जाएगा एक्स, ये क्या हो जाएगा वन, ये आपका हो गया आर, ये सी, ये एच और ये जी, समझ गए।
बात आ गई समझ में? तो ये क्या हो जाएगा आपका, अब ये हो गया आपका इनिशियल नोड। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, आप SFG लगा सकते हो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ये आपका क्या हो गया, इनपुट नोड हो गया। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, SFG लगा सकते हो, क्योंकि SFG लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, इनपुट नोड की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इनपुट नोड नहीं दिया होता है तो हम क्या करते हैं, इनपुट नोड बना लेते हैं। इस इनिशियल नोड को क्या करते हैं, आगे की ओर ड्रैग करके 1 का गेन लेके हम क्या कर लेते हैं, इनपुट नोड बना लेते हैं। तो यहां से अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, ये इस वाले नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन कौन से इनकमिंग ब्रांचेस है, ये है, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा, सी इंटू एच। समझ गए बात? अब देखो सिमिलरली क्या हो, एक और एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ। अगर आपको ऐसा दे रखा एच जी सी, ये क्या 2 है, ये 1 मान लो, ये आपका आर है। तो इस कंडीशन में आर क्या होगा, आपका इनिशियल नोड होगा, इनपुट नोड नहीं होगा। अगर हम SFG लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इनिशियल नोड आपको इनपुट नोड बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसे आप आगे ड्रैग कर लो, ये हो जाएगा एक्स, ये 1 का गेन दे देना, यहां पे एक आपका था H1, ये क्या हो जाएगा सी, ये हो जाएगा -H2, ये हो जाएगा R। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां पे आपकी R की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, X प्लस यहां से क्या हो रहा है -C H2, यहां पे बेकार है प्लस R H1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपको इनिशियल इनपुट नोड नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनपुट नोड बनाना होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखो, अब सेकंड क्या है आपका, आउटपुट नोड क्या होता है। ठीक है, आउटपुट नोड क्या होता है, देखो ये क्या होता है आपका, दिस नोड इज हैविंग ओनली इनकमिंग ब्रांचेस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ आपकी इनकमिंग ब्रांचेस होते हैं। तो क्या होता है कि बट दिस कंडीशन मे नॉट बी प्रेजेंट ऑलवेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो भी फॉरवर्ड पाथ होगा उसे आगे की ओर ड्रैग करके इसे कंडीशन को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो ही आपका वो क्या हो जाएगा, आउटपुट नोड बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। अगर मान लो कि ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये R है, ये G है, ये C है, ये आपका H है। ठीक है, अब आउटपुट नोट हमेशा तो लास्ट वाला ही लेते हैं हम लोग, ये C है, राइट। अब देखो यहां पे क्या है आपका, ये जैसे मान लो इसमें मैंने क्या बोला, सिर्फ इनकमिंग ब्रांचेस होने चाहिए। यहां पे क्या है आपके, यहां से तो एक ब्रांच आ रही है, लेकिन देखो यहां से एक ब्रांच क्या हो रही है, जा रही है, आउटगोइंग ब्रांचेस है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो सी है वो क्या होगा, आपका वो आउटपुट नोड नहीं होगा। तो आउटपुट नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपका एच था, ये जी, ये आर, ये सी था। सी को आप फॉरवर्ड पाथ को क्या करोगे, आगे की ओर ड्रैग करोगे, ये 1 का गेन दोगे, ये क्या हो जाएगा आपका जेड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जेड आप क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको आउटपुट नोड नहीं दे रखा है तो आपको आउटपुट नोड बनाना होगा, समझ गए? तो देखो यहां पे क्या होगा, आउटपुट नोड हमने जैसे ही ड्रैग किया तो जो यहां पे जो ये जो वैल्यू थी सी थी, वही वैल्यू क्या आ रही है, जेड की आ रही है। लेकिन ऐसा इनपुट नोड में नहीं हुआ था। ठीक है, इनपुट नोड हम बना रहे थे तो क्या आ रहा था, जो आपकी इनपुट की पहले जो वैल्यू थी वो सेम वैल्यू नहीं आ रही थी, राइट। मान लो कि जैसे हमारा ये था, यही था ना, ये क्वेश्चन ले लो। तो अगर हमने यहाँ पे इनपुट नोड इसे बनाना है हमें R को, तो हमने X को आगे ड्रैग किया, इसको आगे ड्रैग किया, ये क्या हो जाएगा 1, ये आपका R, ये आपका C, ये आपका H, यहां से जा रहा है। ठीक है, ये बना लिया। तो अगर यहाँ पे R की वैल्यू हम, ये पहले क्या था, इसे ये हमारा इनपुट नोड होना चाहिए, लेकिन ये इनपुट नोड बन नहीं पाया, तो हमने क्या किया, एक ड्रैग किया। तो इससे क्या होगा, R इक्वल्स टू X आना चाहिए, मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे डिफरेंस आ जाती है। देखो यहां पे R की वैल्यू यहां पे अब क्या हो जाएगी, X प्लस C इंटू H। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अगर आप यहां पे ड्रैग भी कर रहे हो तो C की वैल्यू क्या, जो यहां पे जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहां पे होगी। ठीक है, तो नोट करके लिख सकते हो, जो फॉरवर्ड जो बैकवर्ड ड्रैगिंग होती है, अगर हम बैकवर्ड ड्रैग करते हैं तो मे नॉट बी रिजल्ट इन अ सेम पोटेंशियल। ठीक है, तो हम बैकवर्ड जो ड्रैगिंग करते हैं तो क्या होता है, द बैकवर्ड ड्रैगिंग मे नॉट बी रिजल्ट इन अ सेम पोटेंशियल, बट इन फॉरवर्ड ड्रैगिंग
ऑलवेज रिजल्ट इन अ सेम पोटेंशियल. जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वही यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा. ठीक है, तो ये था आपका. कल जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या देखेंगे, आपका फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, लूप्स क्या होते हैं, ठीक है, और किस तरह से हम ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं. एक फॉर्मूला होगा मेशन गेन, वो हम अप्लाई करके किसी भी सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे आपके SFG के थ्रू.